नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी सदस्यों ने आम लोगों के मारे जाने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज विधानसभा से बहिर्गमन किया। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और मंगलवार को कश्मीर में एक व्यक्ति के मारे जाने का मुद्दा उठाने लगे। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कुछ सदस्य काले बैनर लिए हुए थे जिन पर लिखा था नागरिकों की हत्या बंद करो। इसके अलावा जम्मू में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदस्यों ने शर्म करो की नारेबाजी के साथ ही सदन में हंगामा जारी रखा और सरकार से इन मसलों पर जवाब देने की मांग की। इस बीच कानून और संसदीय कार्य मंत्री AR वीरी ने विपक्ष के हंगामे और टोका टाकी के बीच कहा कि सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारा गया व्यक्ति निर्दोष था और मामले की जांच की जाएगी। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हमने मीडिया में पढ़ा कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व्यक्ति के मारे जाने से दुखी हैं। ये ज़्यादा अच्छा होता कि वह सदन की कार्रवाई में भाग लेती और मीडिया में बयान जारी करने के बजाय घटना के बारे में कुछ बोलती। अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगी, लेकिन उस दौरान शायद हम लोग यहाँ मौजूद ना हों। उन्होंने कहा, कम से कम मैं तो उनके भाषण के दौरान सदन में नहीं रहूँगा। बिलखसूस जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर अलायदा एक डिस्कशन। पहले दिन मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, अडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ कि सिक्योरिटी सिचुएशन, ह्यूमन राइट सिचुएशन पे डिस्कशन हो। उन्होंने उसको माना नहीं। कल ओम शाली बुग में जो प्रोटेस्ट के दौरान एक नौजवान की मौत हुई, उसको लेके आज हमने गवर्नमेंट से जवाब मांगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि होम मिनिस्टर, यूनिफाइड कमांड के चेयरपर्सन जो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा है, चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद आके वही बात कर देती जो अखबार के जरिए हमें पढ़ने को मिला, लेकिन वो नहीं आई। वो हाउस में आई तब जब मैंने उठ के इस मुद्दे को उठाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। हम चाहते थे कि वो खुद आएं और हमदर्दी के दो अल्फाज वहाँ पे कह देती और हमें अशोर कर देती कि इन वाकयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वो नहीं आई और इसके बाद हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि आज जो गवर्नर साहब के खुतबे पे वो जवाब देंगी उस पे हम हाजिर नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।